इंटेलिजेंस जिस अर्थ में अध्यात्म में प्रयुक्त होती है उसका मतलब ज्ञान नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब होता है वो तैयारी, वो खालीपन जिसमें तुम देख समझ सकते हो। और इनोसेंस का मतलब होता है कि तुम पर पर्दे नहीं पड़े हुए हैं, तुम पर गंदगी नहीं चढ़ी हुई है, निर्मल हो तुम। और जब निर्मल हो तुम तो तुम दूषित तरीकों से, संस्कारित तरीकों से दुनिया को नहीं देखते हो। आँखों पर पर्दे का न पड़ा होना इनोसेंस है, और पर्दे के न होने के कारण दुनिया का साफ साफ दिखाई देना इंटेलिजेंस है। दोनों एकदम जुड़ी हुई बातें हैं। आँख साफ है इसे कहेंगे इनोसेंस, गंदगी नहीं है, निर्मलता है, इसे कहेंगे इनोसेंस। और आँख चूंकि साफ है इसीलिए दुनिया साफ दिखाई दे रही है, इसको कहेंगे इंटेलिजेंस। तो ये दोनों साथ चलते हैं। देह ही पहली कंडीशनिंग है। वृत्ति ही घनीभूत हो करके, स्थूल हो करके देह का रूप लेती है। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने साथ हजार वृत्तियां लेकर के आ रहा है। फिर इसीलिए शिक्षा इत्यादि की जरूरत पड़ती है ताकि उसमें जो दोष हैं, जो वृत्तियां हैं, उनका शमन किया जा सके। बच्चे में पहले दिन से डर भी होता है, असुरक्षा भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, भ्रम भी होता है। ये सब वो अपने साथ लेके पैदा होता है। छोटे बच्चों को देखिए ना, वो सिर्फ इस अर्थ में निर्मल है कि वो सामाजिक संस्कारों से अभी अछूते हैं, लेकिन देह के जितने संस्कार हैं वो तो उनमें पूरे तरीके से मौजूद ही हैं। पशुवत व्यवहार होता है छोटे बच्चे का, जो अच्छी बात भी है और बड़ा बंधन भी है। जिस तरीके से सोशल कंडीशनिंग हटती है उसी तरीके से बायोलॉजिकल भी हटती है। उसका काम धाम देखो, उसकी करतूतें देखो, कंडीशनिंग की देखते जाओगे, समझते जाओगे ये क्या कर रही है, इसके क्या लक्षण हैं, ये किन रूपों से प्रकट होती है। जिसको पहचान लिया उससे आज़ाद हो गए। जितना उसको पहचानते जाओगे उतना उससे मुक्त होते जाओगे। पहचानना मतलब उसको मैंने देख लिया, मैं समझ गया। कई चीज जैसे मेरा मेरे क्वेश्चन भी था माइंड की। समझ गया नहीं, उसी समय जानना। समझ गया फिर तो तुमने उस बात को लिया और अपनी स्मृति में डाल दिया। जिस समय घटना घटे अगर ठीक उस समय देख लो कि ये क्या है, तो उससे आजादी मिल गई।
बच्चा बार बार पूछे कि ये क्या है, किसी भी चीज को कहानियों की जगह बच्चों को तथ्यों से अवगत कराए। बच्चा बार बार पूछे, तुलना करे, चीजों को जोड़ करके देखे, एक एकीकृत चित्र की मांग करे, जो चीज़ें आपस में असंबद्ध भी है उनमें भी जुड़े हुए तार खोज निकाले। यही बच्चे के लिए यही अध्यात्मिकता है, बड़े के लिए भी यही है। जब तुम ये कहते भी हो कि मैं एक काम कर रहा हूँ, तो वास्तव में वो काम बदल ही रहा होता है लगातार। तो इसमें अपने ऊपर कोई बंदिश लगाने की जरूरत नहीं है कि वादा कर दिया आप निभा रहे हैं कि एक जगह एक काम पकड़ लिया तो कर रहे हैं। पर ये सही होगा क्या कि इसे अभी आज मैंने ये किया, मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, मैं वो ही कर रहा हूँ, फिर थोड़े दिनों बाद मैंने कुछ और देखा या किसी और को देखा, फिर मुझे उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गया, मैं वो करने लग गया, तो ये कहाँ तक सही है? तो इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जीवन बदल रहा है। तो जीवन यदि बदल रहा है तो प्रतिपल जो उचित कर्म है मेरे लिए वो भी बदल रहा है। स्थिति जब दूसरी है तो उस स्थिति में जो उचित कर्म है वो भी दूसरा है ना। तो बदलती स्थिति के साथ पुराने कर्म को नहीं घसीटना चाहिए। काम से अर्थ यही नहीं है कि आप जो कुछ व्यवसाय के लिए कर रहे हैं या जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं, काम माने कर्म, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, हाँ उसे बेशक स्थिति के साथ समय के साथ नया होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल पूछना है, तो मैं इसे हम जैसे लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी जैसे काम कर रहे हो ना, तो मतलब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि पहले मतलब काफ़ी मेहनत करो, फिर तुम लोग जैसे बड़े बड़े लोग कुछ करते हैं पैसे इकट्ठा करो फिर इधर उधर बांट लो, तो सच बात है कि तुम अगर तुम जैसे कोई रिसोर्स लिमिटेड है, तुम जो भी ले रहे हो अगर तुम ले रहे हो और तुम किसी को दे रहे हो इनडायरेक्टली, पहले तुमने उसके लिए वो चीज़ कठिन बना दी ताकि वो मुश्किल से उसको ले पाए, फिर तुमने उसे दिया, तो यानी अगर तुम पहले ही छोड़ देते तो काम उसके लिए पहले से ही आसान था लेना जो भी मतलब जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, तो मतलब ये चीज़ हुई जैसे, और जैसे नेचर में रहता है जैसे कुछ भी चीज़ इम्बेलेंस से होती है, जैसे मान लो अभी जैसे मतलब जैसे पॉपुलेशन का कुछ भी फैक्टर मान लो, तो वो एक टाइम का दो चीज़ें अपने आप बैलेंस होती हैं, तो मतलब जब रियलिटी में देखो तो कि बहुत ही कम चीज़ है जिसमें मतलब हम लोग हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल है या फिर नहीं भी है, मतलब थोड़ा बहुत ही कंट्रोल है या ना करार कंट्रोल है हमारा, मतलब जो जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब तो उसके देख लगता है हम जो भी कर रहे हैं मतलब उसका कोई खास फर्क है नहीं, तो मतलब उतना ज़्यादा वो कुछ करने की वो जरूरत नहीं है। जैसे हम जो भी कर रहे हैं तो हम जैसे लोग कहते हैं कि नहीं ये करते हैं तो इससे ये काम होगा, है ना, एक वो भी होती है जैसे तुम कहीं जा रहे हो किसी एक्सीडेंट हो तुमको लगा हाँ ये काम करने का, तो तुम वो एक कॉल होती है जैसे कि हाँ तुमको लगा, एक अंदर से काइंडनेस वाली बात होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम किसी को मदद के लिए कुछ कर रहे हो, तो जैसे जो भी मतलब नेचर में वो मतलब एक इस तरह का है कि मतलब इतना जो बैलेंस्ड है कि तुम कुछ भी कैसे भी कर लो बाद में अपने आप कैसे भी कैसे करके बैलेंस हो जाएगा अपना, तो जो हम लोग इतने एफर्ट करते हैं मतलब मतलब इस मतलब करने के लिए ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, वो सारे एक तरह से वेस्ट हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ सोचने के किसके लिए वेस्ट है, मतलब वेस्ट मतलब कि हम सोच रहे हैं ऐसा करेंगे ये बदलेगा बदलेगा, तो वो एक तरह से वो व्यर्थ का काम है कि हम ये सोच के करें कि ये बदलेगा वो बदलेगा, किसके लिए व्यर्थ का है? बिल्कुल सही बात है,
तुम जा रहे हो सड़क पर, एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पड़ा है और तुम उसको देखो, वो घायल है और तुम जरा उसकी मरहम पट्टी कर दो या उसको पानी दे दो, तो पूरे समूचे ब्रह्मांड अस्तित्व के पैमाने पर देखो तो व्यर्थ का ही काम है। ब्रह्मांड में धरती की हैसियत रेत के एक दाने जितनी भी नहीं है, और धरती पर करोड़ों पिल्ले हैं, प्रतिक्षण पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। तुमने किसी की थोड़ी जान बचा दी या पानी दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्तित्व की नजरों से देखो तो व्यर्थ का काम है, पर तुम अस्तित्व नहीं हो ना, तुम तो एक नन्हे से जीव हो। तुम्हें फर्क पड़ता है, जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम्हें अपना दर्द होता है या तुम कहते हो अस्तित्व को दर्द हो रहा है? तुम्हें अपना जीवन जीना है या अस्तित्व की दृष्टि से देखना है? उसकी मदद करोगे तो तुम्हें फर्क पड़ेगा, और तुम्हें अपना जीवन जीना है। तो ये मत कहो कि व्यर्थ का काम है। जिसके नहीं, लिए व्यर्थ का काम है उसको तो कोई दर्द भी नहीं होता, ना उसे कभी कोई खुशी होती है, वो तो तटस्थ है, निरपेक्ष है। तुम्हारे लिए तो सदा कोई ना कोई काम सही और कोई काम गलत है ही, क्योंकि तुम अपनी दृष्टि में कुछ हो। तुम अभी विलीन नहीं हो गए हो, तुम शून्य नहीं हो गए हो, तुम मिट नहीं गए हो, तुम कुछ हो। तो तुम्हारे लिए सदा एक काम है जो सार्थक है और एक काम है जो व्यर्थ है। सार्थक काम कौन सा है तुम्हारे लिए? जो तुम्हें मिटने में, हटने में, विलुप्त होने में, घुल जाने में मदद दे। तुम कौन हो? तुम्हारी परिभाषा है कि तुम वो हो जो अपने आप को कुछ समझता है। तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अर्थपूर्ण कृत्य कुछ है, और वो कृत्य है जिसकी मदद से तुम अपनी हस्ती को हटा सको, मिटा सको, क्योंकि उसे होने का ही तो तुम्हें दर्द है, वही तुम्हारी तड़प है। और तुम्हारे लिए व्यर्थ कृत्य कौन सा है? जो तुम्हारे होने को, तुम्हारी पहचानों को और सुदृढ़ कर दे। तो सदा तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं ही, एक रास्ता है कम हो जाने का और एक रास्ता है और लद जाने का, बढ़ जाने का, बोझिल हो जाने का। तो तुम तो उस कृत्य में उतरो जो तुम्हारे लिए उचित है। सब कुछ उसके लिए व्यर्थ हो गया जो कुछ नहीं हो गया। जो कुछ नहीं हो गया वो कह सकता है कि अब मुझे किसी तरह के कृत्य से और कर्तृत्व से और कर्ता भाव से कोई अर्थ नहीं है। तुम तो अपनी नजरों में कुछ हो ही ना। थॉट्स का रोल क्या है? जैसे जब हम लोग थॉट्स में होते हैं तब हम करंट मोमेंट या प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो पाते, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर टाइम गोज इन थॉट्स। इवन लाइक वी आर डूइंग नाइट वॉक, तो उसमें जैसे कि हमें पता है कि हमें वी हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स, बट स्टिल थॉट्स आर गोइंग ऑन। एंड देन व्हेन देयर इज नो थॉट, देन वी आर रियली ऑब्जर्विंग एवरीथिंग अराउंड। सो बेटर इज इट अ बेटर कंडीशन कि थॉट्स कुछ है ही नहीं एंड वी आर कंप्लीटली इन द करेंट मोमेंट? थॉट्स तुम्हारा कर्म है, और तुम जो हो, तुम्हारे होते हुए नो थॉट्स या विचार शून्यता बड़ी मुश्किल, लगभग असंभव बात है। तुम्हारे विचारों के केंद्र में हमेशा तुम ही होते हो ना, या और कुछ होता है? तुम्हें यूं ही तो विचार आते नहीं। तुम्हें विचार तभी आते हैं ना जब उन विचारों में कहीं ना कहीं तुम शामिल जरूर होते हो, या तो प्रत्यक्ष रूप से या कहीं पीछे होते हो। तो तुम जैसे हो तुम्हारे विचार वैसे होते हैं। जब तुम ही बेचैन और डरे हुए हो तो विचार
कैसे शांत और शिथिल हो जाएंगे? बेचैन आदमी तो तनाव में रहता है, उसे विश्राम कहां से मिल जाना है? पर तुम ये नहीं कहते कि मैं शांत हो जाऊं, तुम कहते हो कि काश मेरे विचार शांत हो जाए। ये मांग असंभव है, क्योंकि विचार तो तुम्हारी करतूत है। जैसे तुम हाथ चलाते हो ऐसे ही मन चलता है। मन का चलना और हाथ का चलना एक ही घटना है, एक जरा महीन घटना है और एक जरा मोटी घटना है। विचार चलते हैं तो किसी को दिखाई नहीं पड़ते बाहर वाले को, हाथ चलता है तो दुनिया देख लेती है, पर है दोनों तुम्हारे कृत्य ही, और दोनों की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि तुम कैसे हो। तुम अगर संत हो तो तुम्हारा हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठेगा, तुम हत्यारे हो तो तुम्हारा हाथ हत्या करने के लिए उठेगा। वैसे ही विचार है, विचार में मूलतः कोई बुराई नहीं है। विचार अपने आप में ऐसा कोई पाप नहीं है कि तुम कहो अरे बड़ी गड़बड़ हो गई, विचार कर लिया। देखने योग्य बात यह है कि विचारक कौन है, विचार के केंद्र में किसकी सत्ता बैठी है। बुद्ध भी विचारते हैं, कबीर भी विचारते हैं, पर बुद्ध के विचार बुद्ध जैसे होंगे, कबीर के विचार कबीर जैसे होंगे। और एक चोर भी विचारता है, चोर के विचार चोर जैसे होंगे। समझ में आ रही बात? विचार कोई तुमने अपराध नहीं कर दिया, कोई पाप नहीं कर दिया कि अगर हम सोचते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट से दूर चले जाते हैं। विचार की शक्ति मन की एक अनुपम शक्ति है। विचार कोई तुम्हें सजा नहीं मिली है, विचार तुम्हारी कोई विवशता नहीं है। अगर विवशता नहीं है तो ये हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो। एक पागल आदमी के हाथ पांव उसके नियंत्रण में होते हैं? जैसे पगला ये नहीं जानता कि उसका हाथ क्यों चल रहा है और पांव क्यों चल रहा है, वैसे ही हम नहीं जानते कि हमारा विचार क्यों चल रहा है। जब तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारा हाथ पांव क्यों चल रहा है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तब तुम ये भी जान जाओगे कि तुम्हारे विचार क्यों कूद फांद मचा रहे हैं। सब एक ही है, कर्म है, सब एक मोटा कर्म है, एक झीना कर्म है। मुंह से यकायक गाली निकल जाती है ना क्रोध में, डर में अचानक चीख निकल जाती है ना, नियंत्रण रह जाता है, तो जैसे वो सब कुछ अचानक हो जाता है, वैसे ही विचार में भी अचानक हो जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चला और क्या सोच गए, और फिर कह रहे हो ये मैंने क्या सोच लिया। जैसे तुम हो वैसे ही सोचोगे। तुम देखो कि तुमने अपनी आत्म परिभाषा क्या बना रखी है। जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे। तुम ठीक हो जाओ उसके बाद जी भर के विचारो। विचार कोई अपराध कोई पाप नहीं है। विचार में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें समाधि वगैरह से दूर रखे। समाधिस्थ होके भी खूब विचारा जा सकता है। विचार का अंत नहीं है समाधि, विचार के केंद्र पर होनी चाहिए समाधि। जिस विचार के केंद्र पर समाधि होती है उस विचार की खुशबू दूसरी होती है।
हल्का विचार होता है, त्वरित विचार होता है, खिंचता ही नहीं चला जाता है। हुँ?